गर्भ सूत्र शिरमोर ग्रंथ कल्प यानी आचार, हमारे जिन शासन में जब भी देखा जाए तो आचारों पर बड़ा ही जोर दिया गया है। आचारों के ऊपर निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बात रखी गई। ज्यादा बातें यदि जिन शासन की देखी जाए, जिन शासन के ग्रंथों की देखी जाए, जिन शासन के शास्त्रों की देखी जाए, तो कहीं ना कहीं आचारों के ऊपर जोर ज्यादा दिया गया, क्योंकि हम ये मानते हैं आचारों से ही आदमी के विचार बनते हैं। जैसे विचार होते हैं ऐसी वाणी बनती है, जैसी वाणी होती है ऐसा व्यवहार बनता है, और जैसा व्यवहार होता है वैसा ही तो संसार बनता है। तो संसार को सुंदर बनाना है, संसार को सुव्यवस्थित बनाना है, तो कहीं ना कहीं आचार के ऊपर जोर देना पड़ेगा, आचारों को सुव्यवस्थित करना पड़ेगा, आचारों को सही सलामत रखना पड़ेगा, तभी हमारा संसार व्यवस्थित चलता रहेगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि कल्प सूत्र ग्रंथ का नाम रखा गया कल्प सूत्र, आचारों को दिखाने वाला सूत्र। 8 प्रवचन कल्प सूत्र के परिश्रामहा पर्व के दौरान बोले जाते हैं। 8 प्रवचनों की बात सुनाई जाती है। 8 प्रवचनों के भीतर जो भी हार्द रहा हुआ है, जो भी मुख्य बातें रही हुई है, वो परिश्रामहा पर्व के दौरान 8 दिन के दौरान वो 8 प्रवचनों की बात की जाती है। लेकिन एक एक प्रवचन अपने आप में गजब है। यह 8 प्रवचन सामान्य प्रवचन नहीं है, यह 8 प्रवचन हमें जीवन के 8 संदेश देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कल्प सूत्र के भीतर यह ताकत है, यदि ध्यान पूर्वक, भाव पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक उसके एक एक शब्दों का श्रवण किया जाए तो जीवन जीने की अद्भुत कलाएं हमें कल्प सूत्र सिखाते हैं। और ऐसे कल्प सूत्र के 8 प्रवचनों की बात, एक एक प्रवचन एक एक जीवन के लेसन को सिखाता है, जीवन की कलाओं को सिखाता है। जो ऐसा नहीं है कि आज से सालों पहले लिखा गया कल्प सूत्र आज के समय के लिए उपयुक्त नहीं है, अरे ये अद्भुत इतना कल्प सूत्र है जो आज के समय के लिए भी इतना ही उपयुक्त है, आज के समय के लिए भी इतना ही अनुकूल है, आज के समय के लिए भी इतना ही जरूरी है। और यदि आप श्रावक और श्राविकाओं के जीवन में देखा जाए, यदि हम साधु और साध्वी जीवों के जीवन में देखा जाए तो आज भी इतना जरूरी है ऐसा कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का पहला प्रवचन हमें सिखाता है आर्ट ऑफ लर्निंग। पहला प्रवचन कल्प सूत्र का हमारे सामने यह चीज सिखाने के लिए आता है, आर्ट ऑफ लर्निंग। पहले प्रवचन की मुख्य बात यदि कोई हो वो मेघ कुमार की बात है। और मेघ कुमार जब परेशान होकर के दूसरे दिन परमात्मा के पास गए कि प्रभु अब ये संयम वापस ले लो, मेरे से सहन नहीं होगा, मैं संयम की पालना नहीं कर पाऊंगा, तब श्रवण भगवान महावीर ने एक ही चीज कही। उसने कहा कि मेघ कुमार समझ ले, तूने पूर्व के भवों में इतना सहन किया है, इतना सहन किया है, इतना सहन किया है कि ये तो तेरे लिए कुछ भी नहीं, ये तेरे लिए शून्य बराबर है, ये सहन करना तेरे लिए कुछ भी नहीं है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि परिश्रम महापर्व का प्रथम प्रवचन आर्ट ऑफ लर्निंग ये में सिखाता है कि भूतकाल से हम कुछ ना कुछ सीखते रहे। जब जब भी जीवन में कष्ट आवे, परेशानी आवे, उपसर्ग आवे, तकलीफ आवे, तब तक भूतकाल को याद करें कि हमने भूतकाल में बहुत सहन किया। और मात्र ये भाव में नहीं, अनेकों भाव में, कभी हाथी के भाव में, कभी चींटी के भाव में, कभी कुत्ते के भाव में, कभी बिल्ली के भाव में, अनेकों भाव हम लेकर के बैठे हैं। और हमारे धर्म ग्रंथ तो यहां तक कहते हैं ऐसा एक भी भाव नहीं जो हमने लिया, ऐसी एक भी योनि नहीं जहां हमारी उत्पत्ति हुई ना हो, ऐसा एक भी जीवन नहीं जो हमें प्राप्त न हुआ हो। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझ लेना, पहला जो प्रवचन है वो हमें सिखाता है आर्ट ऑफ लर्निंग।
सीखते रहो भूतकाल से। दूसरे प्रवचन में बात आती है आर्ट ऑफ टर्निंग, कर्म की थियरी, कर्म के सिद्धांत को यदि समझना हो तो कल्प सूत्र के दूसरे प्रवचन को समझना चाहिए। क्या परमात्मा महावीर के 27 भवों की बात, क्या क्या कर्म किए, क्या क्या रिजल्ट उनको मिले, एक चीज समझ लेना। जब कर्म की बात आती है तो पूरे विश्व में जैन साहित्य को, जैन सिद्धांत को याद किया जाता है, क्योंकि इतना अद्भुत कर्म का साहित्य, इतना अद्भुत कर्म का विज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है, कोई फिलोसॉफी के पास नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे कर्म के इतने सूक्ष्म भेद बताए गए, कर्म की इतनी सूक्ष्म बातें बताई गई, और इसीलिए यदि आर्ट ऑफ टर्निंग की कला कोई सिखाता है वो दूसरा प्रवचन सिखाता है। वो सिखाता है कि हमें जीवन में कहां टर्न लेना चाहिए, कर्म की थियरी को कहां समझ लेना चाहिए, कौन सी थियरी यदि हम समझ ले तो जीवन हमारा टर्न हो जाए। हम धर्म को तो शायद समझ लेते हैं लेकिन कर्म को समझ नहीं पाते, इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कल्प सूत्र के दूसरे प्रवचन से आप सीखना कर्म की ताकत क्या है। परमात्मा जैसे परमात्मा को भी कर्म नहीं छोड़ता, आप और हम तो सामान्य इंसान है, लेकिन परमात्मा की भी बात की जाए तो कर्म परमात्मा को भी नहीं छोड़ता, उनको भी 27वें भव में इतने उपसर्ग सहन करने पड़े, कान में ठिल खिले ठुकवाने पड़े, क्योंकि कर्म था। इसीलिए ये दूसरा प्रवचन हमें सिखाता है आर्ट ऑफ टर्निंग। तीसरे प्रवचन की बात आती है, कहा तीसरा प्रवचन हमारे सामने बात लेकर के आता है आर्ट ऑफ इमेजिनेशन। हम विचार अच्छे करें, हम स्वप्न अच्छे देखें, माता के स्वप्नों की बात आती है कि क्या भाव उसके भीतर रहे होंगे, क्या पुण्य का उदय उसका रहा होगा, और तब जाकर के इतने अद्भुत स्वप्न वो माता ने देखे। इसीलिए तीसरा प्रवचन हमें सिखाता है आर्ट ऑफ इमेजिनेशन, जीवन का लेसन समझ लेना। विचार, इमेजिनेशन, भावनाएं हमेशा ऊंची रखे, हमेशा शुद्ध रखे, श्रेष्ठ भावनाओं से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, श्रेष्ठ विचारों से ही हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, श्रेष्ठ सपने देखकर ही हम हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ऋषि ने कहा कि तीसरा प्रवचन हमारे सामने ये कला सिखाने के लिए आता है आर्ट ऑफ इमेजिनेशन। चौथे प्रवचन की बात करते हैं, चौथा प्रवचन क्या सिखाता है, कहते हैं कि चौथा प्रवचन सिखाता है आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन। परमात्मा महावीर का जन्म वांचल जब होता है तब पूरा विश्व, पूरी दुनिया आनंद के साथ झूम उठती है, आनंद उल्लास में आ जाती है, एक आनंदमय माहौल बन जाता है। इसीलिए कहा कि चौथा प्रवचन हमें सिखाता है आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, जीवन की हर एक क्षण से हम आनंद ले सकते हैं, जीवन की हर एक क्रिया से हम आनंद ले सकते हैं, जीवन की हर एक वस्तु से हम आनंद ले सकते हैं, जीवन की हर एक पल आनंद के लिए है, आनंद प्राप्त करने के लिए है, आनंद में रहने के लिए है, आनंदमय जीवन बनाने के लिए है। और परमात्मा का जन्म यह संदेश देता है कि हमेशा आनंद में रहे, आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, आनंद की कला यदि हमें कहीं से मिलती है वो चौथे प्रवचन से मिलती है। पांचवें प्रवचन की बात करते हैं, पांचवें प्रवचन में कला सिखाई गई आर्ट ऑफ बियर, सहन करने की कला। कहा के सहन करना यदि किसी से सीखना हो तो परमात्मा महावीर से सीखना चाहिए। क्या उनके जीवन में सहन शक्ति थी? मैं तो कई बार कहता हूं कि परमात्मा महावीर से और कुछ सीखो ना सीखो लेकिन सहन करने की ताकत सीखो। पांचवें प्रवचन में जो बात आती है परमात्मा के उपसर्गों की आर्ट ऑफ बियर, हम बेर करना नहीं जानते,
हम सहन करना नहीं जानते। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने यह बात लिखी हमें सिखाने के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए कि हमें सहन करने की ताकत खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि कष्ट तो जीवन में आएंगे, उपसर्ग तो जीवन में आएंगे, परेशानियां तो जीवन में आएगी, तकलीफें तो जीवन में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं यदि सहन करने की जरा सी भी हमारी ताकत नहीं है तो हमारा जीवन बेकार। ये पांचवा प्रवचन हमें सिखाता है आर्ट ऑफ बेयर, सहन करना हम सीख ले थोड़ी सी भी। अरे मैं कहता हूं परमात्मा महावीर जितने ना आवे कोई बात नहीं, थोड़ी सी भी सहन शक्ति हमारे जीवन में यदि हम ला देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। छठे प्रवचन की बात करते हैं, छठा प्रवचन हमें ये बोध देता है, ये संदेश देता है, ये सिखाता है आर्ट ऑफ डेथ। पूरे विश्व में एकमात्र जैन धर्म ऐसा है जो ये कहता है कि मृत्यु को भी महोत्सव बनाया जा सकता है। पूरी दुनिया में आप जितनी फिलॉसफी है, जितने धर्म ग्रंथ है, जितने शास्त्र है, सब देख लीजिए, एकमात्र जैन धर्म ऐसा धर्म है, जैन फिलॉसफी एक ऐसी फिलॉसफी है जो यह सिखाती है कि मृत्यु को भी महोत्सव बनाया जा सकता है। आर्ट ऑफ डेथ, निर्वाण की कला। जब परमात्मा यहां से चले जाते हैं रोते रोते नहीं, आनंद के साथ जाते हैं। अरे जीवन इतना अद्भुत हो, जीवन इतना सुंदर हो तो मौत भी सुंदर हो सकती है, मृत्यु भी सुंदर हो सकती है। और इसलिए कहा कि जो प्रवचन हमें सिखाता है कला, छठा प्रवचन, वो ये सिखाता है आर्ट ऑफ डेथ। जीवन अच्छा होगा तो मृत्यु भी अच्छी होगी। हम समाधि मरण की कामना करते हैं, लेकिन मैं कई बार कहता हूं कि समाधि जीवन बना लो, समाधि मरण अपने आप हो जाए। जीवन में तो पहले समाधि लाओ, जीवन में तो कहीं ना कहीं समाधि के भाव प्रकट करो, मन को शांत रखने की कोशिश करो, मन को शांत रखने की कला सीख लो, मन को संभालने की कला सीख लो। क्योंकि यहां आकर के मनुष्य जन्म प्राप्त करके यदि आपने मन को नहीं सीखा, मन को संभालना नहीं सीखा, मन को शांत करना नहीं सीखा, तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि ये जीवन भी दूसरे जीवन जैसा निरर्थक हो जाए। मनुष्य जन्म की सार्थकता उसी में, जहां कहीं ना कहीं मन के कला हम सीख ले, मन को संभालने की कला हम सीख ले, मन को शांत करने की कला हम सीख ले। और इसलिए कहा कि आर्ट ऑफ डेथ तब ही आएगा जब जीवन मंगल, जीवन सुंदर हो, जीवन बढ़िया हो, जीवन में समाधि हो, तभी मृत्यु में समाधि मिल सकती है। इसलिए कहा कि जो प्रवचन है हमारा छठा, ये प्रवचन यह सिखाता है आर्ट ऑफ डेथ। जब प्रवचन सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या ताकत है निर्वाण की, क्या मृत्यु को महोत्सव बनाया जा सकता है, क्या मृत्यु को अद्भुत रूप से मनाया जा सकता है। यह छठा प्रवचन सिखाता है। सातवां प्रवचन हमारे सामने ये बात लेकर के आता है आर्ट ऑफ डिवोशन। डिवोशन यानी भक्ति, भक्ति की बात। ग्रंथकार को लगा के परमात्मा महावीर के जीवन की इतनी सारी बातें हो गई, लेकिन बाकी के 23 तीर्थंकर परमात्माओं का भी स्मरण करना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए। इसलिए सातवें प्रवचन में आर्ट ऑफ डिवोशन, ये सातवां प्रवचन हमें बोध देता है हमेशा परमात्मा को याद करते चलो, हमेशा परमात्मा को स्मरण में रखते चलो, हमेशा परमात्मा को स्मृति पथ में रखते चलो, हमेशा भगवान का स्थान जीवन में ऊंचा रखो। ये सातवां प्रवचन हमें सिखाता है आर्ट ऑफ डिवोशन। परमात्मा पार्श्वनाथ के जीवन की बातें, परमात्मा आदिनाथ के जीवन की बातें, परमात्मा नेमिनाथ के जीवन की बातें, सभी परमात्माओं का स्मरण ये सातवें प्रवचन में। इसलिए सातवां प्रवचन हमें बोध देता है आर्ट ऑफ डिवोशन। और आठवें प्रवचन की बात करते हैं, जो आठवां प्रवचन यहां से बोला जाएगा, आपको सुनाया जाएगा, वो आठवें प्रवचन का बोध है आर्ट ऑफ डेडिकेशन। सातवां प्रवचन यदि डिवोशन सिखाता है तो आठवां प्रवचन डेडिकेशन सिखाता है, समर्पणता की ताकत।
गुरु परंपरा को याद किया गया है, एक एक गुरु का स्मरण किया गया है कि परमात्मा महावीर तो हुए, उसके बाद में यहां तक धर्म कैसे पहुंचा, इतने सालों तक कौन सी गुरु परंपरा ऐसी थी जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारे तक धर्म पहुंचाया, हमारे तक ज्ञान पहुंचाया, हमारे तक ज्ञान की बातें पहुंचाई। यदि ये कोई सिखाता है तो वो आठवां प्रवचन सिखाता है। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना आर्ट ऑफ डेडिकेशन, समर्पणता की ताकत। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि आपको शायद पता ना हो आपकी पांचवी छठी सातवीं पीढ़ी में दादा कौन थे, लेकिन हमारे पास 2600 साल का इतिहास है, क्योंकि आर्ट ऑफ डेडिकेशन। समर्पणता की ताकत इतनी गजब की है, और वही समर्पणता की ताकत ये धर्म को यहां लेकर के आई, ये ज्ञान को यहां लेकर के आई। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं परिसना महापर्व के आठ प्रवचन, और आठों प्रवचन जो कल्पसूत्र महाराज के हैं, जो आचार को बताने वाला, जो विचारों को सुधारने वाला, जो वाणी को व्यवस्थित करने वाला, जो व्यवहार को अच्छा बनाने वाला, और ये सभी से संसार को बेहतर बनाने वाला ये जो कल्पसूत्र है, ये कल्पसूत्र के आठ प्रवचन, आठ अद्भुत बातें हमारे सामने लेकर के आते हैं। एक एक प्रवचन हमें सिखाता है, कोई लर्निंग की कला सिखाता है, कोई टर्निंग की कला सिखाता है, कोई सहन करने की बात हमारे सामने लाता है, कोई मृत्यु को महोत्सव बनाने की बात हमारे सामने लाता है, तो कोई इमेजिनेशन भावनाओं को अच्छी रखने की बात करता है, तो कोई सेलिब्रेशन जीवन को आनंदमय बनाने की बात करता है, तो कोई भक्ति की परंपरा को याद करता है, तो कोई प्रवचन समर्पण की ताकत को खड़ी करता है। और ऐसे आठ आठ प्रवचनों से युक्त ये कल्पसूत्र महाराज, जिन शासन का सिरमौर और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, समझ लेना हिंदू धर्म परंपरा में यदि गीता सर्वश्रेष्ठ है, मुस्लिम धर्म परंपरा में यदि कुरान सर्वश्रेष्ठ है, बाइबल यदि क्रिश्चियन धर्म परंपरा में सर्वश्रेष्ठ है, तो जैन धर्म परंपरा में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यदि कोई है तो वो कौन सा है? कल्प सूत्र महाराज है। और जीवन की आठ आठ कलाओं को यह ग्रंथ सिखाता है। इसीलिए मैं कहता हूं ये आठ कलाओं को यदि सीखना है तो जीवन में भावपूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, ध्यान पूर्वक कल्प सूत्र का श्रवण करना, जीवन अद्भुत बन जाएगा, जीवन मंगलमय बन जाएगा। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।